हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है ना समोसे बना रहे हैं। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम समोसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने समोसे जो है ना सिक के तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया हमारे करारे करारे समोसे बने। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मैदा लिया है 1 कप, 1 कप बड़ा वाला कप है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी नमक थोड़ा सा, इसमें डालूंगी मैं अजवाइन। इसको हमें हथेली की मदद से इस तरीके से करना है, अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच बड़े हैं। तो इसको हम सभी को मिक्स कर लेते हैं हाथों से, क्योंकि तेल इसलिए डालते हैं कि समोसे में जो खस्तापन है वो तेल से आता है और इतने बढ़िया बन के तैयार होते हैं हमारे करारे करारे समोसे। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक अजवाइन जो तेल हमने डाला है वो सभी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अरे मैं मुट्ठी मार रही हूँ, तो इस तरीके से जो है ना आटा हमारा जो है खट्टा हो गया है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो इसको मैं धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी डाल के 1 डो तैयार कर लेती हूँ। नहीं हमने ढीला आटा लगाना है इसका, ना टाइट लगाना है, हमें बीच का आटा लगाना है इसका। आटा हमारा जो अच्छे से तैयार होगा तो समोसे हमारे बहुत अच्छे से तैयार होंगे और इतने बढ़िया खस्ता समोसे बनेंगे हमारे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही। अगर एक साथ डालूंगी तो आटा इसमें थोड़ा गीला हो जाएगा, फिर हमें आटा डालना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे करके पानी डाल रही हूँ, आप भी इस तरीके से डालिएगा। अब मैं इसको अच्छे से हाथों से मसल दूंगी। इसमें हमें जो है ना मुट्ठियाँ नहीं लगानी, इसको मैदे का जो आटा है ना हमें इस तरीके से लगाना पड़ता है। अगर गेहूँ का आटा होता है तो हमें मुट्ठियाँ से जो है गूंद लो इसको, इस तरीके से नहीं गूंदना। तो ये देखिए डो हमारा जो है ना अच्छे से तैयार हो चुका है। और मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना दोनों हाथ से खींच खींच के आटे को हमें तैयार कर लूँगी मैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैदे का आटा जो होता है ना वो इस तरीके से ही लगता है, मुट्ठियों से नहीं लगता। तो ये हमारा जो है ना डो तैयार हो गया है। इसको मैं क्या करूँगी, रेस्ट के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि डो हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, डो हमारा तैयार हो गया, मैंने हल्का सा 2 चम्मच के करीब तेल लिया है और इसको रख दूँगी इस तरीके से, क्योंकि आगे का जो आटा है हमारा ऊपर का वो सूखे ना। तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने आलू लिए, बॉईल किए हुए आलू। तो इसको आलूओं को हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पर पैन लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं तेल। तो तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी काजू। काजू को हमें अच्छे से थोड़ा सा, गैस को आप स्लो रखना और काजू को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये देखिए काजू हमारे जो ना हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश, अगर आपको अच्छी लगती है तो डाल दीजिएगा, समोसे में किशमिश अच्छी लगती है। और बिल्कुल मैं ऐसे तरीके से बनाऊंगी जैसे हमें हलवाई की शॉप पे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी किशमिश भी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जो है 1/2 चम्मच के करीब सौंफ लिए। तो सौंफ को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद डालिए मैंने थोड़ी सी चुटकी भर हींग। और यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया ले रखा था और 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर ले रखा था। और धनिए को जो है ना मैंने बीज से जो है ना वो जो कूटने वाला होता है
उससे मैंने इसके दो पीस कर लिए थे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पाउडर नहीं डालना हमने, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, इसमें हमें और कोई मसाले नहीं डालने। अगर आप मटर खाते हो तो आप मटर डाल दीजिएगा, मेरे घर में बच्चे मटर नहीं खाते तो मैंने मटर नहीं डाली। तो हम मसाले के साथ आलू जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो पूरे आलू में हमारा मसाला जो है ना अच्छे से मिल जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी डाली हूँ मैं इसमें अमचूर आधा चम्मच के करीब, और इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डाल रही, आप हरी मिर्ची भी डाल देना। तो आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस मैंने बंद कर दी थी, और मैंने ये जो ड्राई फ्रूट ले रखे थे काजू और किशमिश, इसको भी हम डाल देते हैं। और मसाले को इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को। तो यहाँ पर जो मेरा आटा रेडी हो चुका है, तो अब क्या करूँगी मैं इस आटे को, इस तरीके से स्लिप मैंने अच्छे से साफ कर ली थी, तो मैं इसको लंबा लंबा कर लूँगी। इसके हमें पेड़े काटने हैं, एक साइज़ के पेड़े काटने हैं हमें, ना ज़्यादा छोटे ना बड़े। रोटी से हमें थोड़ा सा आटा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम जिस तरीके से पराठे का आटा लेते हैं उस तरीके का आटा लेना है हमें। तो मैं यहाँ पर चक्कू से काट लूँगी इनको। देखिए इस तरीके से जो लास्ट का है ये थोड़ा छोटा रह गया है, तो यहाँ पर मैं सभी पेड़ को बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं बेल लूँगी, पर इसको हमें जैसे एक बटूरे की सेफ आती है लंबी वाली, नान की बटूरे की, उस तरीके की सेफ में हमें इसको बेलना है। हमें गोल नहीं बेलना है इसको, सिर्फ लंबा लंबा बेलना है हमें इसे, और नहीं ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बेल लिया था, अब मैं इसको चक्कू से बीच में से इसको काट लूँगी, आधा भाग इधर आधा भाग उधर। तो यहाँ पर जो मैंने इसको अलग कर लिया है, तो इसको मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, और इसका हम समोसा तैयार करते हैं। तो ये वाली जो साइड है जिस तरीके से हमने काटी थी, वहाँ पर हमें लगाना है पानी, और इधर भी लगा देना है इस साइड से, अच्छे से पानी लगा देना है, सिर्फ हमें साइडों से पानी लगाना है। तो इसको हमें एक इस तरीके से मोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा ये। अब बीच में हम क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग भर लेंगे आलू की, और आलू हमें ज़्यादा नहीं भरना, अगर ज़्यादा आलू भरेंगे तो हमारा समोसा फट जाएगा, तो हमें उसी हिसाब से आलू भरना है इसमें। देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो साइड है हमें इस तरीके से लेनी है, और इसको चिपका देना है दूसरी वाली साइड से उंगलियों से, देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बनाना है आपने। और ये हथेली की जो दूसरी साइड होती है हमें इस तरीके से मोड़ देना है, देखो इस तरीके से, ये वाली जो साइड होती है। तो समोसा जो है ना हमारा फटेगा नहीं, ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमें सभी बना के रख लेने हैं, और टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसानी से समोसा बन जाता है। आप एक बार ही ट्राई करके देखिएगा,
तो यहाँ पर जो है मैंने सभी समोसे को बना के तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने तेल लिया है, तेल को हमें फुल गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का करना है, ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम, जिस तरीके से हम जो है मट्टियाँ वगैरह तलते हैं उस तरीके से हमें तेल गर्म रखना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा आटा डाल के देखा था। अब जितने समोसे मैंने मेरी कढ़ाई में आएंगे मैं सारे समोसे डाल दूँगी इसमें, और गैस की फ्लेम हम क्या करेंगे कम कर देंगे, बिल्कुल स्लो पे पकाना है इसको। अगर हाई पे पकाएंगे तो इसमें समोसे में बबल्स आ जाएंगे और हमारे जो समोसे हैं वो कच्चे कच्चे हो जाएंगे, ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर बिल्कुल कच्चे हो जाएंगे और इसमें एक खस्तापन नहीं आएगा। तो मैंने लगभग यहाँ पर सभी समोसों को डाल दिया, जितने मेरी कढ़ाई में समोसे आए थे सारे डाल दिए मैंने। इसी तरीका से आप हलवाई की शॉप पे जाते हो तो वो कम से कम 100-100 समोसे, 50 समोसे एक साथ डाल देते हैं और तेल ठंडा हो जाता है, फिर धीरे धीरे आग पे ये पकते रहते हैं, कम से कम 10 मिनट ले जाते हैं धीमी धीमी आग पे ये। तो देखिए एक साइड से हमें जो इसको डाले हुए 3-4 मिनट हो चुके थे, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। एक साइड से हमारा कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन आ चुका है लेकिन वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, दूसरी साइड भी। अब इसको हम पलट रहे हैं, थोड़े समोसे ज़्यादा आए हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है पलटने में, लेकिन आप चिंता मत करना, समोसे ज़्यादा ही डालना, आप कम नहीं डालने समोसे। तो मैं बड़ी सावधानी से पलट रही हूँ कि वो आटा फटे ना, उसमें जो है ना हमारी जो पलटने वाली कड़छली है वो लगे ना। तो मैंने यहाँ पर सभी समोसे को पलट दिया है, तो इसको हम धीमी धीमी आग पे सिकने देते हैं। तो देखिए जो ये हमारे समोसे को सिकते सिकते कम से कम 9-10 मिनट हो चुके थे, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये देख रहे हो आप जी, इसमें बबल्स नहीं आए हैं समोसे में, बिल्कुल इस तरीके से बने जैसे जिस तरीके से हमने बाहर से लेते हैं हम। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी बबल्स नहीं आए हैं और इतने जो हैं ये खस्ता बने हैं जिस तरीके से बाहर बनते हैं, मैं आपको इसको बता रही हूँ। देखिए इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है ये, और कहीं से भी हमारी जो स्टफिंग हमने आलू की भरी थी कहीं से किसी समोसे से बाहर नहीं आई है। तो ये देखिए मेरे जो समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरे समोसों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।